जेजेपी के प्रवक्ता दीप कमल सहारण हमारे साथ मौजूद है। दीप कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ऐसी क्या दिक्कत है, मामन खान पर बात क्यों नहीं? ये बीजेपी की तरफ से बड़ी जोरदार तरीके से पूछा जा रहा है और मोनूमान स्तर पर अगर सवाल पूछा जा रहा है तो फिर बीजेपी को इतना क्यों चुप रहा है? आपका स्टैंड क्या है? जेजेपी कहाँ खड़ी है इस पूरे मामले पर? दीप कमल सहारण, देखिए रोमाना जी, दिक्कत तो सारी ही है। दिक्कत तो ये है कि अब देश में माहौल ये हो गया है और टीवी डिबेट्स में माहौल ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब हिंदुओं की पार्टी, हिंदुओं का बचाव करने के लिए उनके पास सारी बातें हों, और कांग्रेस पार्टी मतलब मुसलमानों से संबंधित जो बात करनी हो, जो बचाव करना हो, वो कांग्रेस पार्टी, ये माहौल हो गया। अब आप दो किरदारों का जिनका जिक्र कर रहे हैं, आपके सवाल भी सारे उसी दिशा में उसी तरीके से जा रहे हैं। ये हमारे नेताओं ने जो पिछले कुछ सालों में माहौल बनाया है, इसमें वो पिस रहे हैं जो आपकी तस्वीर पर पलायन करते हुए दिख रहे हैं, इसमें वो 6 परिवार पिस रहे हैं जिनकी जान गई है, और आनंद किनको आ रहा है? आनंद शायद उनको आ रहा है जिनके घरों के लड़के साइबर क्राइम में शामिल थे, 150 के आसपास अरेस्ट हुए 3 महीने पहले, 3000 के आसपास युवाओं के और युवकों के और बाकी लोगों के नाम FIR दर्ज हो रखी है। उन लोगों ने इसकी आड़ में किया क्या? सबसे पहले नूह के साइबर थाने पर अटैक किया, वहां का रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की, ताकि जो FIR दर्ज हो रखी है साइबर अपराधियों पर, जो फोन कर करके देश भर से लोगों के खून पसीने की कमाई उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, नूह में और अलवर इलाके में जो राजस्थान और हरियाणा की सीमा है, सीमा का जो मैटर होता है एक बॉर्डर का, कि इधर का सिम ले लो और उस दूसरे स्टेट में जाकर फोन कर लो, वहां के खेतों में जाकर कर लो, वहां का सिम कार्ड ले लो, इधर के खेतों में आकर काम कर लो, क्राइम यहाँ होगा, ढूंढती रहेगी यहाँ की पुलिस, और आप यहाँ के रहने वाले नहीं, आप दूसरे राज्य के रहने वाले, उन चीजों का जो फायदा उठाते थे, फायदा मिल रहा है इसका। और सर मैं इस लिस्ट में एक और नाम जोड़ देती हूँ सर, और किसको फायदा मिल रहा है ये भी जान लीजिए, थोड़ा सा आपका ज्ञान वर्धन हो जाएगा। दरअसल सर, जिनको हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करके सियासत चमकाने से फायदा मिलता है ना सर, जिनकी सियासत को सूट करती है हिंदू और मुसलमान के बीच की फूट, उनको भी बहुत आनंद आ रहा है। दीप कमल सारण जी, समझ रहे हैं ना आप? मैं आऊंगी आपके पास, जरा जल्दी से अनुराग भदौरिया का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आ रही हूँ आपके पास, दोबारा आऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि ये जो हरियाणा में हुआ है, ये सरकार की नाकामी या फिर जो कुछ विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं नहीं सिर्फ नाकामी मत कहिए साहब, ये मामला सरकार की मिली भगत का है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये बात तो तय हो गई देश के अंदर में, जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वो सत्ता का धर्म नहीं निभा पा रही है, जहां विपक्ष में है विपक्ष का धर्म नहीं निभा पा रही है। कमाल की बात है कि सत्ता पक्ष अगर ये कहे कि उसकी कानून व्यवस्था फेल हो जाए, उसका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो जाए, और फिर आके हल्ला भी मचाने लग जाए। अरे भैया, सरकार आपकी जिम्मेदारी आपकी है, चाहे कोई हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर समाज के अंदर में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है उस पर कार्रवाई करे और ठोक के कार्रवाई करे। ये हिंदुस्तान को क्या बनाने की कोशिश करती है सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की, और आके टीवी पे चिल्लाने भी लगते हैं। भाई, किस मुंह से टीवी पे आते हो चिल्लाने के लिए? सरकार आपकी है, पुलिस प्रशासन आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, फिर आप एक्शन लेने के लिए, फिर यहाँ पे फलाने ने कुछ नहीं किया, विपक्ष पे क्यों आरोप लगा रहे हो? अगर आप कार्रवाई करते, विपक्ष कुछ कहता तो आपकी बात थी ना भाई। इतना आज तक मेरे होश में तो मैंने कभी नहीं देखा गुड़गांव में इस तरह की घटना हुई हो, 1947 में नहीं हुई, आज अचानक कैसे हो जा रही है? तो इसके मतलब सरकार का फेलियर है। एक बार मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, गृह मंत्री कुछ कहते हैं, DGP कुछ कहते हैं, पब्लिक कुछ कहती है, प्रवक्ता कुछ कहते हैं, इनके नेता कुछ कहते हैं, पता नहीं चलता क्या हो रहा। भैया, कौन क्या कह रहा है, पहले आपस में तो कोऑर्डिनेट कर लो, आपस में तो बैठ के बात कर लो कि बोलना क्या है। इससे सच जाहिर होता है आपके प्रशासन के ऊपर में, इसलिए पूरी की पूरी ये प्रशासन की फेलियर है, और बुरी तरह से फेलियर है, और अपनी फेलियर को छुपाने के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। चीखने चिल्लाने से नहीं होगा, देश की जनता देख रही है कि आप फेल हो चुके हैं, और फेल होने के बाद उसको ढकने के लिए ये है वो है। अरे कोई व्यक्ति हो, ठीक है, कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर समाज में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। बिल्कुल, जो भी माहौल खराब करे उस पर सख्ती से एक्शन लेना, यही जिम्मेदारी सरकार की, कानून व्यवस्था बनी रहे ये सरकारी जिम्मेदारी सरकार की है। और इस सब के बीच वो अलग अलग बयान जो सरकार की तरफ से सामने निकल कर आए, जिसका जिक्र अभी अनुराग भदौरिया कर रहे थे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है,
शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।